काबुल में इस तरह की दुकान है जहाँ पे ओपनली गन्स सेल होती है, आप आके खरीद भी सकते हो, उसी टाइम पे लाइसेंस आपको मिल जाएगा। हैं? ये रियल गन्स है क्या है? ये पबजी वाला है। $2,00,000 का सामान है भाईजान, क्या बात है, हिम्मत है आपकी। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह से कि अफगानियों की जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब दूर हो जाएं। आमीन। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। हम लोग हैं काबुल में, काबुल सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये देखो पीछे ड्राई फ्रूट की पूरी मार्केट लगी हुई है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, लेकिन जो हमारी असली मंजिल है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि हम लोग हैं यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट स्टोर में, ठीक है। काफी अच्छा डिस्प्ले है यार, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पड़े हुए हैं, देखो यार मजेदार। और चॉकलेट, टॉफीज, ऐसी चीजें भी यहाँ पे रखी गई हैं, चिलगोजे, पिस्ते, बादाम, काजू, डेट्स, सब चीजें हैं यहाँ पे यार। ये देखो ये देखो अखरोट भाई, बादाम आ रखा है, अफगानी बादाम, काबुल बादाम, हाँ शाही सर, किलो दो सर, कितना बोले? 300 रुपए किलो, 2, 3, 4, 5, 6, 600 रुपए किलो। अच्छा अच्छा, और अखरोट? अखरोट अखरोट 600, 4,000 से 600, ये भी अखरोट भी 600 रुपए किलो, अखरोट भी भाई 600 रुपए किलो है, बादाम भी 600 रुपए किलो है, काबुल वाले बादाम। और ये क्या है, ये क्या, ये कहाँ का बादाम है? सल्ट बादाम है, सल्ट वाला। अच्छा, इसको ऐसे ही खाते हैं, तोड़ के खाते हैं? नहीं, तोड़ खोल के खाते हैं। ये नमकीन बादाम है यार, यहाँ की कोई स्पेशलिटी है, ये भी 600 रुपए किलो है यार। काफी बड़ी मार्केट है यार यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स की। 10 रुपए दे दो, 10 रुपए यार। ये इस तरह का बाजार है, काफी हैवी किस्म के यहाँ पे रश है इस टाइम पे। सरे शाहिद, जीरा, जीरी, एक तो दोस्तों काफी बड़ा बाजार है यार। हम लोग यहाँ भीड़ में से निकल के जा रहे हैं एक जगह पे। कहाँ जा कर रहे हैं हम? गन बाजार, गन बाजार जा रहे हैं भाई हम लोग। तो मैंने भाई को बोला कि यार हमें गन बाजार दिखा दो, ठीक है। तो जो गन बाजार है वहीं पे आर्मी जैकेट्स, मिलिट्री जैकेट्स, वो सब चीजें मिल जाती है। सलवार कमीज भी हमने वहीं से लिया था। क्या क्या? एक्सचेंज मनी का बाजार है, एक्सचेंज मनी का बाजार भी वही है, एक्सचेंज है। हाँ ये देखो भाई, सब मनी एक्सचेंजेस लाइन पे लगे हुए हैं कि करारे नोट है भाई। यार क्या ही जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे साइड पे ना करेंसी की बहुत सारी दुकानें हैं, लगभग मैंने अभी तक देख लिया 100 से ज्यादा ना करेंसी एक्सचेंज के यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं। रश आपको दिखाऊंगा ना, ये देखो भाई क्या मजेदार, भाई साहब मजेदार, अनबिलीवेबल रश है यहाँ पे यार। सैटरडे है आज यहाँ पे काबुल में। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रही है ब्लॉग बनाने में क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। राइट साइड पे कंटिन्यूसली जो है ना ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, 100 से भी ज्यादा यहाँ पे रेडियां वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बिक रहे हैं। और ये देखो अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थोड़े कम हो गए, अब जूते चप्पल वगैरह की दुकान शुरू हो गई है। मतलब क्या मजेदार बाजार है यार, मतलब सारा काबुल जो लगता है इसी जगह पे इकट्ठा हो गया यार। और लेफ्ट साइड पे जो है करेंसी की दुकानें हैं बहुत सारी,
भाई इधर देखो ये मोबाइल की पूरा काउंटर्स लगे हुए हैं, ढेर सारी दुकानें इधर मोबाइल की हैं यार, सब तरह के सेकंड हैंड मोबाइल सब बिक रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल वगैरह बिक रहे हैं, बहुत सारी दुकानें हैं यार, बहुत ही बड़ा बाजार है, सब मोबाइल हर तरह का यहाँ पे ना मोबाइल वगैरह सेल हो रहा है। ये देखो मोबाइल कवर्स वगैरह सब, पूरी जितनी दूर तक नजर जा रही है ना ये सारे मोबाइल के बाजार है, मोबाइल की शॉप्स है, मोबाइल कवर, मोबाइल सेकंड हैंड रिपेयर शॉप्स सब है। ये देखो भाई आज तो ना काबुल में कुछ अलग ही कहानी चल रही है, पिछले एक हफ्ते से हम ना काबुल घूम रहे हैं लेकिन इतना रश मैंने एक हफ्ते में नहीं देखा, इतनी भीड़ चका जाम गाड़ियों का भी, और अभी हम एंटर कर चुके हैं गन बाजार। सलाम वालेकुम भाई जान, सब बढ़िया जी, ये गन बाजार है, ठीक है जी। हम लोग एंटर कर चुके हैं गन बाजार में, तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे जैकेट्स वगैरह ये सब चीजें गन का सामान वगैरह मिलता है। ये देखो भाई जान सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमें इजाजत देने के लिए। भाई हम लोग हैं गन बाजार में और ये एक दुकान है यहाँ पे जहाँ पे गन्स वगैरह सारी पिस्टल्स वगैरह सब बिकती है, गन का रिलेटेड सारा सामान बिकता है, बुलेट्स वगैरह भी बिकती है। वैसे तो मैं ऐसे कभी गन शॉप में आया नहीं हूँ, मेरे अमृतसर में मेरे वालिद के पास भी गन है, लाइसेंस है उनके पास, तो लेकिन थोड़ा सा बताएंगे किस तरह की गन्स होती है क्या है, फिल्मों में ही देखा यार हमने, कोई ऐसे तो नॉलेज तो है नहीं बिल्कुल भी। अच्छा ये कौन सी गन है? टर्किश है, ठीक है। पबजी में ऐसी गन्स होती हैं या फिर फिल्मों में होती हैं, वीडियो गेम्स में, प्ले स्टेशन वगैरह में, जी टी ए वगैरह में हमने देखी है, मस्त है यार, सही लग रही है गन तो है। ये रियल गन्स है क्या है? ये पबजी वाला है। अच्छा ये पबजी, ये है क्या, ये असली गन्स है ये सारी? है तो बहुत हैवी है यार भाई साहब, बहुत हैवी गन्स है, सही है वाकई में बहुत हैवी गन्स है। अच्छा ये इसका नाम क्या है गन का? ये जो अच्छा 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 पंजीर आर्म्स, पंजीर भाई साहब, ये रशियन है और टुर्किश मेड है। अरे बहुत हैवी है यार, मैं इसमें तो मतलब आदमी को तो पूरा वर्जिश हो जाएगी इसमें गन में, तो $1400 का। और इधर कितने का बिकता है? यही प्राइस बता रहे हैं $1400 का। भाई ये $1400 की गन है, और ये अभी भाईजान ने बताया कि पबजी वगैरह में अगर आप खेलते हो ना तो इस तरह की गन्स यूज होती है। माशाल्लाह सही है यार, हैवी मस्त है। और दिखाओ और कौन सी कोई खास कोई अलग चीज। फ्री कैसे? फ्री मतलब किसी को भी मार दो 20 गोलियां एकदम। ये कितनी गोलियां शूट करता है एक टाइम में? पांच मैगजीन डलती है इसमें, जो पांच शॉट एक बार में पांच गोलियां मारता है, पांच शॉट करता है, ठीक है। पांच से ज्यादा वाली भी कोई होती होगी ना? हाँ यार, ये इसकी बुलेट्स वगैरह हैं इस तरह की रहती हैं, ये पांच शॉट एक साथ मारता है। ये देखो यार, देख रहे हो ये इसके बुलेट्स हैं, सही है यार। मतलब इसके अंदर छर्रे टाइप कुछ है ना, बॉल्स वगैरह कुछ टाइप वो रहता है। नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए मैं ये जगह सच में बता रहा हूँ कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कुछ इस तरह की जगह पे। ये देखो इस तरह की बुलेट्स वगैरह डलती है यार, मस्त है, बहुत सही चीज़ है यार ये। आपको मैं अफगानिस्तान दिखा रहा हूँ, काबुल में इस तरह की दुकान है जहाँ पे ओपनली गन्स सेल होती है, आप आके खरीद भी सकते हो। तो कोई भी खरीद सकता है, क्या सिस्टम होता है इसका? सच में मैं मुझे खरीदिया, मैं खरीद सकता हूँ अभी, पर लाइसेंस तो चाहिए होगा ना उसके लिए? कागज बना के दे देंगे अभी गन का, और जहाँ जिसको मर्जी मार दो। ये भाई जान कह रहे हैं यहाँ से कोई भी गन खरीद सकता है, और ये पर्चा बना के दे देते हैं, काइंड ऑफ लाइसेंस होता है, उसी टाइम मतलब उसी टाइम पे लाइसेंस आपको मिल जाएगा। जिसके साथ दुश्मनी निकालनी है जाओ उसके घर जाके शूट कर दो। वैर है तो यार देखो ये गलत चीज़ है, हम इसको बढ़ावा नहीं देते हैं, जंग नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट भाई? तो लेकिन ये है कि यहाँ पे है ऐसी दुकानें हैं, ये बिकती हैं ये चीज़ें यहाँ पे। ये कौन सी है जी? नेक्स्ट, ये भी टर्किश गन है कोई, ये भी काफ़ी देखो ना मतलब हैवी भी है, और इसकी लेंथ कितनी बड़ी है यार, मज़ेदार गन्स है यार। ये कितनी फायर करता है? एक फायर करता है ये। अच्छा लेकिन इसकी रेंज बहुत सही होगी ना, ऊपर वो भी लग जाता होगा इसके बायोस्कोप क्या कहते हैं ना, सही है। AK-47 वगैरह भी होती है अपने पास, वो कौन सी गन्स होती है? AK-47, 56 लेकिन वो आपको देखा नहीं सकते। अच्छा वो अलाउड नहीं है, ये अलाउड है वो, बस थोड़ा सा
उसके ऊपर सख्ती है, इसके ऊपर नहीं है, पर गन तो ये भी बंदूक चल रही है यार। इसके ऊपर भी मार जाता है लेकिन। ठीक है, और भाई जान पिस्टल्स वगैरह भी होती है अपने पास, जैसे छोटी पिस्टल वगैरह? किसी को नहीं मिलता है ना, किसी। अच्छा, उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए। ठीक है, जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पिस्टल्स वगैरह के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए, यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं। ये गन्स खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस के इसी टाइम बना के दे देंगे यार। मतलब यार अद्भुत एक्सपीरियंस है यार, मजा आ गया आपके पास आके यार। बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं वैसे तो। पाकिस्तान के गन्स भी है यहाँ? नहीं, हम हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं भाई। पाकिस्तान से होते तो ये भाईजान तो मुझे यही शायद दबा लेते, अंदर रख लेते। ठीक है, इंडिया से हैं हम। और वैसे तो मैं फिर एक बात कहूँगा कि यार दुनिया में ना प्यार मोहब्बत ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जंग जायज़ नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन ये है कि मज़ा आया ये चीज़ें वगैरह देख के। ये क्या है भाई सर? ये भी है, लेकिन ये जो चोरी करता है ना रास्ते में डाका मौका मारते हैं, वो जिसको चोरी वोरी करनी है वो ये वाली गन ले जाए। तमंचा है, तमंचा टाइप है ना। ठीक है, बाकी तो बढ़िया है यार, सारी गन्स काफ़ी मतलब ह्यूज कलेक्शन है यहाँ पे गन्स की यार। ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, तो हिंदुस्तान के भाइयों को यहाँ आना चाहिए, हम उनको घुमाएंगे फिराएंगे, पूरा अपनी मेहमान नवाजी दिखाएंगे। ये वाली जो गन है ये सबसे महंगी गन है, ये कितने की है ये वाली? $1,800 की गन है, ये सबसे महंगी गन है। अच्छा, ये 1400 का। ठीक है, और लाइसेंस की आप बात करें तो लाइसेंस फ्री है क्या? फ्री लाइसेंस है, जिसको गन चाहिए वगैरह है। घर वाले ले लेते हैं, अपने घर में रखते हैं बस। ठीक है, कोई चोर आता है दूसरा आता है। अच्छा, सेफ्टी के लिए ना, सेफ्टी के लिए आप ये गन खरीद सकते हो, लाइसेंस साथ में ही दे देते हैं फ्री बना के। हाँ, तो ये ना हर गन के ऊपर ना ये एक सीरियल नंबर रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि गन किस, कोई चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, तो ट्रैक की जा सकती है गन्स। इसलिए लोग यहाँ पे मतलब चोरी वगैरह नहीं होती है, सेफ्टी रहती है सारी, है ना। और कितने का ये सारा माल होगा आपकी दुकान में अगर देखा जाए जनरली? ये तो $2,00,000 से भी ज्यादा है। $2,00,000, $200,000 का ये सारा सामान है। मैं थोड़ा सा बाहर से भी लुक दिखाता हूँ, काफी मतलब अच्छी दुकान है, बंदूकें वगैरह सब रखी है, बंदूक का सामान है, बुलेट्स वगैरह हमने सारी देखी है अभी। $2,00,000 का सामान है भाईजान, क्या बात है, हिम्मत है आपकी। हिम्मत है आपकी भाईजान। तो भाईजान कुछ इस तरह सा बाजार है यार, ये पूरा बाजार है यहाँ पे, कपड़े वगैरह, जैकेट्स वगैरह, टेंट वेंट का भी सामान मिलता है ना यहाँ पे। ये देखिए आर्मी की जैकेट्स वगैरह। हाँ, क्या मिलता है, क्या मिलता है? पैराशूट, पैराशूट वगैरह भी मिलता है। अच्छा, भाई कह रहे हैं पैराशूट मिलता है भाई। ये क्या क्या मिलता है एक बार दोबारा बता दो इस पूरे बाजार में। इस बाजार में पैराशूट भी मिलता है भाई, इस बाजार में जो है ना इस आर्मी का टिका, वो आर्मी का सामान, कपड़े वगैरह सब, बंदूकें भी मिलती हैं, ज्यादा चीजें मिलती है इसमें, ज्यादा चीजें नहीं मिलती है लेकिन अच्छा बाजार है, सही है। जैकेट वगैरह मिलता है, वो सामने एक दुकान है, मैं उसकी आपको झलक दिखाता हूँ यार। वहाँ पे ना सामने डिस्प्ले में ही है सारे, ये देखो, ये देखो मिलिट्री वगैरह के सारे जो कपड़े वगैरह है ना। हाँ, ये बेसिकली सैंपल है, ये असली वाले नहीं है, ये है कि लोग खरीद सकते हैं अपने लिए, शौक पूरा करने के लिए, है ना, कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक है। एक ये भाईजान है यहाँ के, मुस्कुराहट देखिए कितनी प्यारी है, यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूब वाले हिंदुस्तान से, इंडिया से। ठीक, शुक्रिया शुक्रिया, तशक्कुर यार। ये इधर ना एक भाई मिला मुझे, अफगानी भाई, बड़ा प्यारा है यार। ये यहाँ पे ना सिलाई कर रहा है, क्या बना रहे हो, सलवार कमीज बना रहे हो? हाँ हो, सलवार कमीज है। एक दिन में कितने बना लेते हो? एक दिन में कितने बना लेते हो? पाँच, पाँच बना लेते हैं भाई एक दिन में। ठीक है, मस्त है यार, बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जहाँ कैमरा जाता है वहाँ साथ साथ आ जाते हैं। सलाम वालेकुम भाई जान। लो जी, हम आ गए हैं फिर से। मुझे भाईजान दूर से आवाज़ मार रहे थे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ये क्या हो गया आज, दुकान कहाँ गई? सारा आज का, आज क्या खास है, सब बिक गया? सब गया, बिक गया, बिक गया। क्या बात करो यार, यहाँ से ना हमने सलवार कमीज खरीदी थी और भाईजान कह रहे हैं सब मेरा माल ही बिक गया आज, कमाल हो गई यार। मतलब हम, हमारे जो पैर है इतने लकी है, ये पाँच छः बचे हैं यहाँ पे बस। परसों हम इनकी दुकान पे आए थे, आज भाईजान कह रहे हैं सब बिक गया मेरा माल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। रोहित भाई, हमारे एक वीडियो बनाओ।
अरे मैं आया 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 आजा रोहित भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, ये पकड़ो जरा रोहित भाई कभी डो जाओ बैठ जाओ रोहित भाई। भाईजान ने आवाज मारी दूर से और मैंने बोला मैं आया 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 आजा। हिंदुस्तान भाई वाले हमारे भाई है, ये एक हफ्ते से यहाँ रहता है हमारे साथ, बहुत खुश है हम और अल्लाह से उम्मीद करते कि ये भी खुश यहाँ से जाए। अच्छा, थैंक यू। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह से कि अफगानियों की जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब दूर हो जाए। आमीन। और ये भाईचारा ऐसे ही बना रहे और इनका वीजा स्ट्रॉन्ग हो जाए, फटाफट से इनको हिंदुस्तान बुलाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, अजान भी हो रही है, देखो कितना अच्छा वक्त है। और हमारा रोहित भाई यहाँ अफगानिस्तान आया है, बहुत खुश है, हम इससे खुश है, ये हमसे खुश है और अल्लाह ताला इसको बहुत खुशी दे। भाइयों सपोर्ट करो, आज की वीडियो यहीं तक है, अजान भी हो रही है, देखो कितना अच्छा वक्त है। आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अफगानिस्तान तो भाई आपको दिखा ही रहे हैं अपनी नज़रों से, हमें तो बहुत पसंद आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो आप भी चले आइए यहाँ पे अफगानिस्तान, इसी तरह आपको भाई मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है, बहुत खुश रखेंगे आपको, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो।